गाइस तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो पे। तो ये यूट्यूब चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है, फॉर द GDS, फॉर द पोस्ट ऑफिस सर्विसेज। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो एंड में ज़रूर लाइक कर देना। और आज की वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, और अगर नहीं पता चला है तो मैं बता देती हूँ, आज की वीडियो का टॉपिक है आपके एप्लीकेशन फॉर्म से लेके आपके ज्वाइनिंग तक का सफ़र। तो जो भी मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है मैं वो भी शेयर करूँगी, और जो एक्चुअल प्रोसेस है आपको वो भी बताऊँगी। तो वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ। जब आप अप्लाई कर देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट डेट 5 जून थी इस बार, तो उसके बाद लास्ट डेट के बाद 2.5 से 2 महीने के बीच में आपका रिजल्ट आता है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाने के बाद 2 से 1.5 महीने का सफ़र, सॉरी 1.5 से 2 हफ्ते का सफ़र होता है। 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते के बीच बीच में आपका इंटीमेशन लेटर आ जाता है, जो कि ये होता है। मैं हमेशा सोचती थी वीडियो बनाऊं, बट प्रूफ नहीं थे तो मैंने नहीं बनाई है। जो मेरा इंटीमेशन लेटर था ये 3 पेजेस का था। इंटीमेशन लेटर आता है जिसमें क्लियरली आपके लिए लिखा होता है, इसमें टोटल पॉइंट्स हैं, इसमें टोटल 8 पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 8 है, ब्लर आ रहा है, ओके क्लियर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो इसमें जो पहले पॉइंट में है, मेरी डिटेल सारी लिखी हुई है, मेरा नाम, मेरा फादर्स नेम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मेरी बीओ कौन सी सिलेक्ट हुई है, कहाँ पे कौन सा मेरा एसओ है, कौन सा मेरा हेड ऑफिस है, और कितना मुझे पे स्केल मिलने का, इसकी डिटेल्स हैं। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट में सेम है, मेरे बारे में डिटेल्स है, मेरी पोस्ट की डिटेल्स हैं, जो मेरी ऑफिस है उसकी डिटेल्स है। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट में बताया जाता है, थर्ड पॉइंट में बताया जाता है कि जो जो मुझे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सभी लोग पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके बेसिक सिर्फ 4 ही डॉक्यूमेंट जाते हैं, जो है आपका 10th का सर्टिफिकेट, यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ, ये 4ों आपके जाएंगे। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट जाते हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जाता है अगर आपके 10th में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था, और एक्स इंगेजमेंट सर्टिफिकेट जाता है अगर आपने पहले किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया है और वो आपने छोड़ा है, या आपने जो भी होता है उसका एंगेजमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप डिसेबल पर्सन हो तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो बात होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, जो आपने लेके जाने हैं, सिर्फ यही 4 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। मेन को लेके जाना है आपको विद इन 10 डेज, जब आपको ये लेटर मिल जाती है, आपको इंटीमेशन लेटर आ जाता है, उसके 10 दिन के अंदर अंदर जाके आपको ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करने होते हैं। वेरीफिकेशन में टाइम लगता है, बट आपको 10 दिन में ऑफिस रीच करना होता है। और अगर आपको ये पता ना चले, मुझे फर्स्ट टाइम नहीं पता था कि बीओ में जाना है, या क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी डिटेल लिखी हुई है, बीओ भी लिखा हुआ है, हेड ऑफिस भी लिखा है, बड़ा जो मेरा एसओ बढ़ता है वो सब डिटेल्स लिखी हुई है, तो मुझे कहाँ जाना था। तो ये यहाँ पर एक स्टैंप लगी होती है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इस टाइप का कुछ लेटर आता है इंडिया पोस्ट की तरफ से, तो यहाँ पे स्टैंप लगी होती है, यहाँ पे पिन कोड भी लिखा होता है। आप इस पिन कोड को अगर डालोगे गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे आपको कौन सा करेक्ट लोकेशन है, आप उस करेक्ट लोकेशन पे जाके अपनी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, और जो वेरिफिकेशन है वो हेड ऑफिस में ही होती है। देन 5th पॉइंट में आ जाता है, जो BPM है उनको अपने BO के दायरे में ही रहना होता है, स्टे करना होता है। आप स्टे करो ना करो, रेगुलर ट्रैवल करो एज लाइक मी, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट अगर आप रेंट पे वहाँ पे रहना चाहते हो, या आपको रेंट नहीं पे करना पड़ रहा और आपको अच्छे से मिल रहा है रहने का, तो आप रह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट एज़ पर इन द गवर्नमेंट आइज़ आपको ये लिखवा के देना पड़ता है, जो विलेज के ग्रामीण डाक पंचायत सरपंच होते हैं उनसे आपको रिटर्न में लिखवा के देना पड़ता है, आपको खुद ही लिखना होता है। वैसे मैंने तो लिख के दिया था कि मैं यहाँ की BPM बनने वाली हूँ यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, तो मुझे यहाँ पे इनके विलेज में इस जगह पे, किसी का भी आप नाम लिखवा सकते हो, अगर आपका MC MD वहाँ का रेजिडेंट है, उनके यहाँ पे मैं रह रही हूँ। वो लिखने के बाद जस्ट वहाँ पे उसके स्टैंप होनी चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए सरपंच के, मतलब वेरीफाइड होना चाहिए कि हाँ आप जेन्युइनली गवर्नमेंट की नज़रों में आप वहाँ पर रह रहे हो, आप रहो तो वो आपकी सेफ साइड है। अगर आप नहीं रहना चाहते हैं अपडाउन में, ऐसा हो कि बस आपकी जॉब को कोई इफ़ेक्ट ना हो उससे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी आप पे टोटली डिपेंड करता है। उसके बाद आती है मेन, जो मुझे कमेंट भी आया था एक, कि जो पेपर बॉन्ड है, सिक्योरिटी बॉन्ड जो 1 लाख का अमाउंट है, वो हमें क्या देना पड़ता है। तो इसमें तो लिखा है कि फॉर 5 ईयर्स, आपको 5 साल का टाइम दिया जाता है, पर एनम आपका ये कटता है,
मैं सही बताऊं कई कई जगहों पे ये 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, और बाय सेल्फ मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया था और ना मुझसे डिपार्टमेंट ने मांगा है। आप इसके बारे में जिक्र ना ही करें हेड ऑफिस में जाके तो ज़्यादा सेफ़ रहोगे। और जितने मेरे नॉन में मेरी फ्रेंड सर्कल में लड़कियाँ थी, उन्होंने भी जिन्होंने अप्लाई किया पेपर बोन का, उन्होंने नॉट अ सिंगल रुपीज़ दिया है। और कई कई जगहों पे लिया भी जाता है 5,000-10,000 मिनिमम लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि 1 लाख पूरा लेते हैं, पर अपने अपने सर्कल का अपना अपना है, कहीं पे लाख लाख रुपए भी मांगा जाता है। पर एज़ पर माई ओन एक्सपीरियंस मैंने 1 रुपये भी नहीं दिया है आज तक और ना मुझसे मांगा गया है। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, ये 7th पॉइंट में पेपर बोन की बात हुई थी सिक्योरिटी बॉन्ड की। देन उसके बाद आता है 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में सिंपली लिखा हुआ है कि आपको साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल या मोटरसाइकिल आपको अगर चलानी आती है कोई भी, उस व्हीकल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ताकि वो एक प्रॉपर प्रूफ हो जाए। वैसे साइकिल के लिए तो कोई प्रूफ लगता नहीं है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आपकी सेफ साइड है। देन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना है अपने हेड ऑफिस में, वहाँ पे सिंपली जस्ट आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर देने हैं। सबमिट करने के बाद आपको वो जो जो बोलेंगे आपको, लाइक जो सरपंच से लिखवा के लाना है वो लिखवा लेना है, जो 100 रुपीज़ का पेपर बोर्ड है वो आपको बनवा के ले आना है। सिक्योरिटी की आप बात ना करें, खुद से बात करोगे तो वो सामने से बोल ही देंगे। देन इसके बाद प्रोसेस रहता है, वो एक फॉर्मेट बना के देते हैं, एक लेटर टाइप, आपको वेरिफिकेशन के बाद आपको जाना होता है तो वो आपको एक फॉर्मेट बना के देते हैं, मेडिकल के लिए एक लेटर लिख के देते हैं। मेडिकल प्रोसेस में पूरा एलोबरेट इसलिए नहीं कर रही हूँ, ये बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा, एक एक टेस्ट के बारे में आपको ब्रीफली बता दूँगी और सेल्फ एक्सपीरियंस भी ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद जब आपका मेडिकल का आपको टाइम दे देते हैं, जितने दिन आप मेडिकल में लगा के आते हो, उसके लिए भी मेरे को सिर्फ उन्होंने बोला था कि आपके पास 1 हफ्ता है, मुझे 1 हफ्ते के बाद जाना था। 1 हफ्ते के बाद जब मैं गई, मैंने मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वहीं पे सबमिट थे, तो उनसे मैंने पूछा था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कब तक वेरीफाई होके आ जाएंगे, तो उन्होंने मुझे 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने लग जाते हैं। और मेरी सिस्टर भी एज अ GDS जॉब करते हैं और मैं भी, बट मेरी जो जॉइनिंग है मेरी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की प्रोसेसिंग के बीच में होगी थी, मतलब मेरा मेडिकल होने के बाद मैंने अपने मेडिकल की जो भी फाइल थी वो पूरी सबमिट कर दी। मेरा 1 हफ्ते में मेडिकल हो गया था, मेडिकल होने में 3 दिन लग जाते हैं। मैंने अपनी फ़ाइल सबमिट की, फ़ाइल सबमिट करने के बाद उन्होंने मुझे, वैसे मेरी सिस्टर मेरे साथ थे तो मैंने उनसे पूछा कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, उन्होंने आप मेरे को सिंपली डेट कर दी फिक्स कि इस डेट को आपका ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो मैंने उनसे बोला कि ट्रेनिंग लेटर नहीं आएगा, तो उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग लेटर आपको बाय पोस्ट आ जाएगा, बट मेरा जलंधर से लुधियाना बहुत डिस्टेंस पड़ जाता है तो शायद मे भी आने में लेटर को टाइम लग जाता, तो उन्होंने इसलिए मुझे प्रीवे डेट बता दी थी कि इतनी डेट को। और एज़ कम्पेयर टू मेरी सिस्टर का देखा जाए तो उनका जब तक जो वेरिफिकेशन है वो पूरा नहीं हो गया, मतलब उनके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके बोर्ड से नहीं वापस आ गए, SC का सर्टिफिकेट पूरा वेरीफाई होके नहीं आ गया, और उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो नहीं होके आई, तब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। और मेरे को बाद में आया था ट्रेनिंग लेटर भी, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा आया था। ट्रेनिंग 2 तरीके से होती है, एक ट्रेनिंग होती है आपकी हेड ऑफिस में 1 हफ्ते की, देन 1 हफ्ते की आपकी होती है आपके SO में। जो मेरी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग मेरे हेड ऑफिस में थी वो थी 12 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक की, मतलब 1 हफ्ते की। देन उसके बाद मेरी 19 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक की दूसरी ट्रेनिंग थी, 2 ट्रेनिंग्स मेरी ख़त्म हो गई है। जो पहली ट्रेनिंग थी वो कंडक्ट की थी इंस्पेक्टर ने, और जो सेकंड ट्रेनिंग थी वो कंडक्ट की थी SP ने। ये 2 हफ्ते की ट्रेनिंग मेरी हुई थी, और मेरी सिस्टर की ट्रेनिंग हो जाने के बाद उनको काफ़ी देर बाद ज्वाइनिंग लेटर आया था। मेरा गुड लक, पता नहीं भगवान मेरे साथ थे कि क्या था, जिस दिन मेरी ट्रेनिंग इंस्पेक्टर से ख़त्म हुई, इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाने के बाद वो आपसे आपका आधार कार्ड नंबर लेते हैं, आधार कार्ड नंबर मेरे यहाँ पे डाल के इस टाइप का मुझे एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया था। यहाँ पे मेरे साइन प्लस डेट, यहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर सर के जिन्होंने हमें ट्रेन किया था उनके साइन, और इस टाइप का एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया था, ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। देन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू करने के बाद मुझे डायरेक्ट जॉइनिंग मिल गई थी। मैंने 1 हफ्ता ट्रेनिंग लगाई अपने SO में हेड ऑफिस के बाद, उसके बाद 1 हफ्ते में मुझे जॉइनिंग मिल गई थी। काफ़ी जगहों पे वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद मिलती है, ये बात मैंने आपको पहले बता दिया। देन उसके बाद फिर मुझे एक आता है ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट्स, यहाँ पे एक लाइन लिखी होती है कि वेरिफिकेशन के बाद मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए जाएंगे, और इन केस मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी फ्रॉडनेस पाई जाती है या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स होता है तो मुझे रिमूव किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। ये इसकी मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, डिपार्टमेंट इसका ज़िम्मेदार नहीं है। तो सैलरी की बात करते हैं, जो मेरी सैलरी थी, मेरी जॉइनिंग थी 26th अप्रैल की, 26th अप्रैल से लेके जो हमारी सैलरी आती है वो 30 या 31st को आती है।
एट द एंड ऑफ द मंथ, बट मेरी ज्वाइनिंग को सिर्फ अभी 4 दिन हुए थे, तो मेरी जो अप्रैल से लेके मई की जो सैलरी थी, मई की सैलरी आई थी मेरी एंड ऑफ द मई में, तो मेरे जो 4-5 दिन उसमें लगे थे उस मंथ के, वो प्लस होके आई थी, तो मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी 16,900 समथिंग, 17,020 रुपीज़ के आसपास था मेरा ओवरऑल, इतनी थी मेरी 17 के आसपास अगर पास थी। मैं आपको होल वीडियो का शॉर्ट क्लिप बताती हूँ, आपको इंटीमेशन लेटर आएगा मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद 2 हफ्ते के बीच में इंटीमेशन लेटर आएगा, उसके बाद उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अपना टेंथ का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट मस्ट है, और अगर आप डिसेबल हो तो डिसेबल का सर्टिफिकेट, और आपका एक्स सर्विस अगर आपने कहीं पर भी जॉब किया उसका सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है। वेरिफिकेशन के लिए रखोगे, उन्होंने आपको मेडिकल के लिए लेटर दे देनी है, मेडिकल लेटर लेके आप मेडिकल के ऊपर मैं अलग से प्रोसेस डाल दूँगी, उसको अलग से निकाल देते हैं। जब आप मेडिकल करवा के उनको फाइल देते हो, फाइल देने के बाद आप अपने घर जाते हो, उसके 2 हफ्ते के बीच बीच में, मुझे तो 2 हफ्ते के बीच बीच में मेरा ट्रेनिंग लेटर आ गया था। ट्रेनिंग होती है 2 हफ्ते की, 1 हफ्ते हेड ऑफिस में, 1 हफ्ते आपके एसओ में। ये 2 हफ्ते की ट्रेनिंग हो जाने के बाद डायरेक्ट ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है कई जगहों पे, और कई जगहों पे 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते का गैप डाला जाता है, बट जैसे ही मेरी ट्रेनिंग सैटरडे को ख़त्म हुई, संडे का गैप, मंडे से मेरी ज्वाइनिंग थी। ये मेरा सेल्फ प्रोसेस था, सेल्फ एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ, और उस दिन से लेके मैं आज तक जॉब भी कर रही हूँ और टारगेट भी कर रहे हैं। टारगेट निकालना भी इतनी मुश्किल बात नहीं है, बहुत देख सुनने में और देखने में लगता है बहुत छोटा प्रोसेस है, बट जनरली जब हुआ था, क्योंकि आपको एक से आपको जो ट्रेनिंग टाइम होता है, मेरा लुधियाना से जलंधर बहुत दूर पड़ता है, तो जो फेयर है बस फेयर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें हमें पता है कि मैंने 2 महीने कैसे सफ़र किया है, कैसे मैंने मतलब कैश का भी इशू हो जाता है, क्योंकि बहुत पैसा लगता है, मेडिकल में भी पैसे लगते हैं, रेगुलर सफ़र में भी पैसे लगते हैं, जब तक सैलरी नहीं आती ना तब तक सुकून नहीं मिलता है दिल को। आएगा, ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर हो गया, और आपको आई होप आपको पूरा प्रोसेस भी समझ में होगा। मेडिकल के ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बना दूँगी साथ में, मे बी इस वीडियो के पीछे ही मेडिकल के ऊपर भी वीडियो आ जाए। तो अभी तक वीडियो अगर आपने देखी है तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आई होप ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो सच में आपकी हेल्पफुल रही है तो मुझे एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई भी डाउट रह गया है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो उसके बारे में भी बता देना, और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, GDS के रिलेटेड कोई भी अदर डाउट है वो भी मुझे बता देना, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं BO का मेरा टाइमिंग ख़त्म हो चुका है और मैं सिर्फ आप लोगों के लिए थोड़ी देर बैठी हूँ कि हाँ मैं पहले यहाँ पे एक वीडियो डाल दूँ, क्योंकि घर पे जाके टाइम नहीं होता इतना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।